सीधा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हकीम कारी ज़रीफ़ अहमद सिद्दीकी, आज आप हजरात की खिदमत में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कीमती नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि मर्दाना ताकत, धात सुपन दोष, शीघ्र पतन, टाइमिंग की कमी, रुकावट की कमी के लिए लाजवाब चीज़ है। नुस्खा सफ़ूफ़ शदीद इम्सा की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। दोस्तों, आइए आते हैं नुस्खे की तरफ। आपको लेना है पोस्त खशखाश 5 तोला, रेग माही 5 तोला, अकरकरा ईरानी 5 तोला, मोचर 5 तोला, दाल मखाना 5 तोला, मगज सुखम तमर हिंदी 5 तोला, मूसली सफ़ेद 5 तोला, मगज कुंभा दाना 5 तोला, गूंद किक्कर 5 तोला, सिंघाड़ा 5 तोला, सफ़ेद इलायची 5 तोला, तुखम सिरस 5 तोला, तुखम कोंच 5 तोला, मस्तगी रूमी 5 तोला, ज़ाफ़रान 2 तोला और जुंद बेदस्तर 1 तोला, छिलका इसबगोल 100 ग्राम। दोस्तों, इन तमाम दवाइयों को एक नंबर ला करके कूट पीस करके बिल्कुल बारीक पाउडर बना ले, बस आपकी दवा तैयार है। एक एक चम्मच सुबह व शाम गाय के दूध नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें और खट्टी और तली हुई चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। अज़्वाजी ज़िंदगी की रानाइयाँ लौटा देने वाली चीज़ है, बदन में हरारत, मुसर्रत और सरूर भर देता है। वक्त की तवालत चाहने वाले जो रुकावट का और टाइमिंग का रोना रोते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। वो हजरात ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें जो टाइमिंग चाहते हैं। और दुआए खैर में याद रखें, जिरियान यानी धात, सुपन दोष, शीघ्र पतन, इमसाक यानी रुकावट और कुव्वत बा यानी मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और तमाम मर्दाना आवाज के लिए बेहद मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह लाज़िज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। दोस्तों, हमारे चैनल पर मज़ीद तिब्बी मालूमात व तहकीकात, जिस्मानी अमराज और उनके इलाज, कुदरती जड़ी बूटियों द्वारा इलाज, फलों और सब्जियों के खास उनके फ़वाद और बहुत सारे अपने तजर्बात और मजर्बात बयान किए जाते हैं। इन सारी मालूमात को हासिल करने के लिए आप ख़ुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त अहबाब को भी दावत दीजिए। इंशाल्लाह हम आपकी इसी तरह खिदमत करते रहेंगे।